और गाइस ये कहते हैं कि अगर इंदौर घूमने आओ और यहाँ पर विजयसन माता का दर्शन ना करो तो यात्रा अधूरी रह जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने वैष्णो देवी के दर्शन किए थे और आज रात को हम यहाँ से इंदौर से निकल जाएंगे। तो इंदौर में हम आज और मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, जो कि आप व्लॉग में देख लेना। और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं अन्नपूर्ण माता मंदिर, जो कि इंदौर का बहुत ही फेमस मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो अभी हम पहुँच गए मंदिर में, अन्नपूर्ण माता मंदिर। पता नहीं अंदर वीडियो रिकॉर्ड अलाउड है या नहीं। तो गाइस यहाँ भी दर्शन करके आ गए और अब चलते हैं किसी और मंदिर में। और अन्नपूर्ण माता के दर्शन करने के बाद हम आ गए गजानन महाराज जी के दर्शन करने। तो गाइस अभी हम आए हैं गणेश जी के दर्शन करने इधर। तो गाइस यहाँ पे भी दर्शन कर लिए और अन्नपूर्ण माता और गजानन जी महाराज के दर्शन करने के बाद हम निकल गए विजयसन माता जी के दर्शन करने। हम आ गए हैं विजयसन माता मंदिर और मंदिर पहाड़ पर बसा हुआ है, इसलिए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। देख सकते हो आप कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। और गाइस अभी हम आए हैं विजयसन माता। और ये कहा जाता है कि अगर आप इंदौर में घूमने आओ, यात्रा करने आओ और यहाँ विजयसन माता के दर्शन ना करो तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। और गाइस यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर फोटो वीडियो लेना बिल्कुल मना था, बिल्कुल। कहते हैं कि अगर इंदौर घूमने आओ और यहाँ पर विजयसन माता का दर्शन ना करो तो यात्रा अधूरी रह जाती है। और विजयसन माता के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे पितरेश्वर पर्वत पर। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर और बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति भी है। यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद यहाँ पर हमने काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, मन को शांति मिली। और अगर आप भी कभी इंदौर आते हो तो आपको भी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। तो गाइस अभी हम हैं पितरेश्वर पर्वत पर और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है और बड़ी वाली हनुमान जी की मूर्ति भी है, जो कि आपने व्लॉग में देख लिया होगा या अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर भी दर्शन कर लिए और ये आज का जो व्लॉग था पूरा धार्मिक व्लॉग था एकदम। और अभी हम यहाँ से जाएंगे घर पे, क्योंकि मौसी के घर पर, क्योंकि रात को हमारी बस है तो खाना वाना खाएंगे और वहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।